बिहार के गौतम व कुमकुम की अनोखी शादी हुई। बिना बारात साथ लिए दूल्हा साइकिल से दुल्हन के घर पहुंच गया। ना कोई दहेज ना कोई दिखावा, शादी की रस्में हुई और दुल्हन को साइकिल से विदा कर घर ले गए। बिहार में इन दिनों गौतम व कुमकुम की अनोखी शादी का यह मामला चर्चा में बना हुआ है। भागलपुर के सुल्तानगंज के बाद थाना अंतर्गत नया गाँव पंचायत स्थित ऊंचा गाँव दक्षिण टोला निवासी अनिल तांती के मंझले पुत्र हैं गौतम कुमार। वह 13 मई 2021 को अकेले ही साइकिल से बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के भरतशिला पंचायत स्थित कंचन नगर गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने ब्रह्मदेव ताती की पुत्री कुमकुम कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। इस शादी में उपहार स्वरूप दहेज भी गौतम ने नहीं लिया और न ही विदाई के समय कोई सामान लिया। 2 वर्ष पूर्व शादी में ऊंचा गाँव आने पर कुमकुम से हुआ था गौतम को प्यार। 2 वर्ष पूर्व कुमकुम अपने रिश्तेदार के घर ऊंचा गांव शादी में आई थी। इसी दौरान गौतम व कुमकुम में दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई या पता नहीं चला। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। साथ जीने मरने की कस्में खाई। मोबाइल के जरिए प्यार परवान चढ़ता गया। इस बात की जानकारी धीरे धीरे दोनों के माता पिता को लग गई। प्रारंभ में तो दोनों के स्वजनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, दोनों को काफी समझाया, पर जब गौतम व कुमकुम नहीं माने तो दोनों के स्वजनों ने शादी के लिए हामी भर दी। गौतम और कुमकुम चाहते थे शादी धूमधाम से हो, परंतु 1 वर्ष से कोरोना ने शादी पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में दोनों का प्यार कम तो नहीं हुआ, इस वजह से दोनों को ऐसे शादी करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या नाम है? गौतम कुमार। पिता का नाम? अनिल तांती। कहाँ घर है? ऊंचा गाँव। आपका ये शादी जो हुआ कैसे कैसे क्या क्या हुई बताइए। ये शादी 2 साल पहले से चल रहा था, बस दोनों घर वाले के बीच, और लॉकडाउन की वजह से रुका था। लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। इस बार भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत आया, फिर हम खुद अपने गए और बिना दहेज का शादी किए। बिना दहेज का शादी किए। आपका क्या नाम हुई? कुमकुम कुमारी। पिता का नाम? ब्रह्मदेव तांती। कहाँ घर था आपका? कंचन नगर। कैसे कैसे शादी हुई आप बताइए बताइए। कितने दिनों से ये शादी लग रहा था? 2 साल। 2 साल से। उसके बाद फिर क्या हुआ? लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर ये गए अपने मन से, उसके बाद शादी करके चला है। दोनों परिवार के रजामंदी से शादी हुई ना? हाँ।